नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं काम शास्त्र का। चर्चा चल रही है रति रहस्यकार द्वारा प्रस्तुत किए गए स्त्री के प्रकारों की, और आज चर्चा करेंगे संखिनी की। पद्मिनी और चित्रिणी की चर्चा हम कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत कुछ है आपके लिए। तनु रतनु रपीश्यात् दीर्घ देहंग्रि मध्या यरुण कुसुम वासः कांक्षिणी कोपशीला अनिभृत शिरमंगम दीर्घ निम्नम वहंती स्मर ग्रहमति लोमा शारगंधी स्मरांबू सृजति बहु नखांकम संप्रयोगे लघीया स्मर सलिल प्रसक्ता किंचिदुत्तप्त गात्री न लघु न बहुभोक्त्री प्रायशः पित्तला स्यात् पिशुन मलिन चित्ता शंखिनी रास भोक्ति। तनुर अतनुरपि, ये पतली भी हो सकती हैं। कई बार कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो एकदम पतली होंगी, ऐसी ना तो पद्मिनी होगी ना चित्रिणी होगी, जो एकदम पतली होती हैं या मोटी भी हो सकती हैं। यानी जो पतली हैं वो भी इस कक्षा में आ सकती हैं और जो मोटी हैं वो भी इस कक्षा में आ सकती हैं। तो ये बहुत पतली भी हो सकती हैं, मोटी भी हो सकती हैं, लंबाई इनकी अधिक होगी, मध्य भाग जो है वो न चित्रिणी की तरह है, क्योंकि अगर पतले हैं, पूरा शरीर ही पतला है तो भई आप कमर पतली ही पाएंगे, और पूरा शरीर अगर मोटा हो गया है तो। जब हमने पद्मिनी की चर्चा की थी तो कहा स्तन भाग मोटे होंगे, जब हमने चित्रिणी की चर्चा की तो हमने कहा कि स्तन और जघन यानी नितंब भाग और स्तन भाग मोटे होंगे, यानी जो एक 36-24 वाला साइज बताया जाता है वो चित्रिणी में चर्चा होती है, संखिनी में वो चर्चा नहीं होती। अरुण कुसुम वासा, भाई इनको लाल फूल लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं, इनकी कामना करते हैं, यानी डार्क रंग इनको ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोपशीला, बात बात पे गुस्सा आएगा। देखिए बात बात पे मान तो पद्मिनी भी करती है, लेकिन मान में और क्रोध में अंतर है। मान क्या है कि ये अपेक्षा होती है कि हम रूठ गए आप हमें मनाइए, और आप मनाएंगे तो हम मान जाएंगे, लेकिन क्रोध जो होता है वो तो बुद्धि को ही बिगाड़ देता है। तो ये कोपशीला होती है। अनभृत सिर मंगम दीर्घ निम्नम वहंती, नाभि जो है इनकी गहरी होगी, क्योंकि जब शरीर मोटा है तो स्वाभाविक है कि नाभि वो निम्न होगी। सिर, उसके जो बाल हैं वो बहुत बड़े नहीं होंगे, एक प्रमाण में स्मर ग्रह मति लोमा, इनके योनि के आसपास के प्रदेश में अत्यंत लोम राशि होगी, वहां पे बाल अत्यधिक होंगे। सारगंधी स्मरांबू, और इनकी जिसको मासिक कहते हैं उसमें से क्षार जैसी गंध आएगी। चित्रिणी के लिए कहा था कि मीठी जैसी गंध आएगी, और इनके लिए कहा कि क्षार जैसी गंध आएगी। अब ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा कि ये तो अवसर किसी पुरुष को नहीं मिल सकता है,
विवाह से पूर्व की किसी स्त्री के मासिक में किस प्रकार की गंध आती उसको जान पाए, लेकिन वो चीज आप उसके पसीने के द्वारा जान सकते हैं। अब आप कहें कि साहब लोग पसीना आने कहां देते हैं, लोग तो डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इनको जब भी डियो लगाएंगे या परफ्यूम लगाएंगे तो मंद सुगंधी वाला परफ्यूम इनको अच्छा नहीं लगेगा, तीव्र गंध वाला परफ्यूम ही इनको अच्छा लगेगा। इस चीज से भी आप इसका अनुमान कर सकते हैं। सृजति बहु नखांकम संप्रयोगे लकीया, इनका वेग अत्यधिक होगा लेकिन काल चिरकाल नहीं होगा, बड़ी जल्दी स्खलित हो जाएंगे। लेकिन वेग अधिक होने के कारण नखक्षत वगैरह के चांस बहुत बनते हैं, नाक वाक मार देना, कहीं दांत से काट लेना, इस प्रकार की प्रक्रियाएं ऐसी स्त्रियां अधिक करती हैं। यानी नखक्षत दंतक्षत इनके संभोग में इनके द्वारा अत्यधिक प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक नहीं होंगे, इनका जो स्खलन है वो जल्दी हो जाएगा। उसका एक सीधा सा कारण है कि मानसिक रूप से ये पहले से ही तैयार हैं इसके लिए, और जब स्त्री पहले से तैयार हो तो स्वाभाविक है कि उसका स्खलन जल्दी हो जाएगा। स्मर सलिल प्रसक्ता किंच दुत्तप्त गात्री, अब पद्मिनी के संदर्भ में ये कहा था कि गाढ़ लज्जा है, बड़ी जल्दी वो काम में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, उसको तो प्रवृत्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो पहले से ही तैयार है इसलिए इनका योनि प्रदेश हमेशा वो क्षरण से युक्त रहेगा। स्मर सलिल जो रतस्राव होता है उससे एकदम प्रसक्त रहेगा, किंचित उत्तप्त गात्री, और शरीर इनका थोड़ा गर्म ही बना रहता है। आगे कहा है पित्तला, पित्त प्रकृति होती है और शरीर थोड़ा गर्म रहता है, इसका तात्पर्य ये भी होता है कि ये अत्यधिक संभोग के लिए यानी बार बार तैयार हो जाती हैं, और लंबा संभोग ये इनको आवश्यकता नहीं होती है। न लघु न बहु भोक्त्री, ये बहुत कम भी भोजन नहीं करती हैं और ज्यादा भी नहीं खाती हैं, पित्त प्रकृति अधिक होती है। स्वभाव की जो बात करते हैं, पद्मिनी के लिए कहा था कि धार्मिक वृत्ति होगी, गुरु की द्विज की देवताओं की पूजा में रत रहेगी। अब ध्यान उस तरफ रखोगे भैया तो कामदेव से तो दूर ही हो जाओगे। चित्रणी के लिए कहा कि वो कला रसिक होती है, अपने संगीत नृत्य इत्यादि में उसका समय जाता है, लेकिन इनका स्वभाव है, इसको कहते पिशुन, थोड़ा अच्छा तो नहीं माना गया हमारे यहां, पापी प्रकार का स्वभाव होता है, मलिन चित्ता, और मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसी नायिका को शंखिनी कहा गया है। रास भोक्ति, जब बोलेगी गला भारी भारी होगा, जैसे गधा बोलता हो, रासभ गधे को कहते हैं, उसके समान इनकी आवाज होती है। तो भैया ये कुछ विशेषताएं यहां दी गई हैं। अगर कोई स्त्री बोलती है और उसका गला बहुत भारी है तो ये एक प्रमाण है कि वो शंखिनी प्रकार की है। अगर आप उससे बात करते हैं, उसकी बातों में बहुत अधिक इस प्रकार की बातें आती हैं जिसमें लुच्चाई भी हो, जिसमें ठीक है यार कर डालते हैं, ऐसा कर डालते वैसा कर डालते हैं, किसी का भला बुरा करने की भी भावना अगर व्यक्त करती रहती है, तो ये विशेषताएं जो हैं, देखिए शारीरिक हाइट, पतले मोटे, वो सारी बातें, किस प्रकार के वस्त्र इनको पसंद आएंगे, सारी चर्चाएं की गई हैं।
लेकिन ये जो विशिष्ट चर्चा है ना स्वभाव की, ये इनको और आवाज की अन्य नायिकाओं से अलग करती है। तो संखिनी नायिका इस प्रकार की होती हैं। चलिए हस्तिनी की बहुत लंबी चर्चा नहीं की है, इसलिए हस्तिनी को भी अगर इसमें रखना है तो रख सकते हैं। अललित गति कच्चई स्थूल वक्रांगलीकम वहति चरण योगमम कंदरा रश्वपीनाम कपिल कचकलापा क्रूर चेष्टातिपीना द्विरद मद विगंधी स्वांग के नंग के चा द्विगुण कटुकसाय प्राय भुंगवीत लज्जा ललदति विपुलोष्ठी दुख साध्या प्रयोगे बहिरपि बहुरोमा त्यंतमंतर विशालम वहति जघन रंध्रम हस्तिनी गदगदोक्ति। भई अललित गति ही ये जब चलती हैं तो आपकी इनकी चाल में कोई लालित्य नहीं दिखाई देगा। ये हस्तिनी हैं लेकिन हाथी की तरह गजगामिनी नहीं है। चलेंगी तो आपको लगेगा कोई पहलवान चला आ रहा है, कोई मारने काटने के लिए चला आ रहा है। तो इनकी गति जो है उसमें कोई लालित्य नहीं होगा। बस अगर जमीन पे चल रही हैं तो पैर रख के जमीन पे आवाज भी आएगी। देखिए हमारे यहाँ माता पिता इस प्रकार के संस्कार हमेशा बालकों को देते हैं कि आप चल रहे हैं तो आपके पैरों की आवाज नहीं आनी चाहिए, धम 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 करके नहीं चला जाता है। ये इसको कहते हैं अललित गति। स्थूल वक्रांगलीकम, भाई मोटे और टेढ़े मेढ़े अंग होंगे। वक्रांग का अर्थ यह है कि आप कहेंगे कि नाक है, होठ हैं, आंख हैं, सभी तो अपनी अपनी जगह पे होते हैं, किसी की जगह थोड़ी बदलती है। लेकिन सबकी नाक एक जैसी नहीं होती है। आप कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव को देखिए, उनकी नाक बहुत टेढ़ी है, लंबी भी है टेढ़ी भी है। तो इस प्रकार से वक्र अंग पुरुष के होते, ऐसे स्त्रियों के भी पाए जाते हैं। तो अंग वक्र होंगे, स्थूल होंगे, मोटे होंगे। इनके दोनों जो पैर हैं ना, जैसे उनके ऊपर मोटी मोटी दो डालियां रख दी गई हो ना, इस प्रकार की जंघाएं होंगी इनकी। बाल काले नहीं होंगे, कपिस कलर के बाल होंगे और स्वभाव से क्रूर चेष्टा, किसी का अगर बच्चा कोई शैतानी कर रहा है तो उसको उठा के पटक देना, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा करना, ये इनके लिए बड़ी सामान्य सी बात होगी। अति पीना, भाई क्रूर चेष्टा तो ठीक है लेकिन अत्यंत क्रोध भी हो, चेष्टाएं भी क्रूर हों और स्वयं तो मोटी है ही हैं, ये सारी चीजें इनको अत्यंत क्रूर बनाती हैं। द्विरद मद विगंधी, अब इनके मासिक में से हाथी के मद जैसी गंध आती है। स्वांग के अनंग के चा, स्वांग कहते हैं पसीने को, अंग के कहते हैं मासिक को। तो दोनों प्रकार से इनके शरीर में से भी हाथी के मद की गंध आएगी, यानी अत्यंत दुर्गंध इनके पसीने से भी आएगी और इनके मासिक से भी आएगी। द्विगुण कटु कसाय प्राग भुंगती व लज्जा, कड़वा तीखा कसेला इस प्रकार का भोजन, और करते समय किसी प्रकार की शर्म नहीं, भाई हम तो
खाने के लिए पैदा हुए हैं, इस प्रकार इनका स्वभाव होता है। बड़े बड़े होठ और प्रयोग में भैया समागम में दुख साध्या, बड़ी मुश्किल से इनको संतुष्ट किया जा सकता है। इनको संतुष्ट करना हर किसी पुरुष के वश का तो काम है ही नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि एकाधिक पुरुष भी हों तो भी इनको संतुष्ट कर पाए, ये कठिन कार्य है। वही रपि बहु रोमा, बाहर भी आप देखेंगे तो बहुत रोम राशि होगी। अब तो चूंकि वैक्स और सारी चीजें ऐसी चल गई हैं कि जिसके कारण आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि किसके शरीर पे रोम राशि कितनी है। आप कल्पना कीजिए, राम शास्त्र के ही प्रारंभिक वीडियो में इस चीज का उल्लेख आया था कि भैया दसवें दिन वैक्स होना चाहिए और तीसरे दिन दाढ़ी अवश्य बननी चाहिए। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक समय था कि घर की स्त्रियां वैक्स वगैरह, मतलब एक मध्यम परिवार की गृहिणियां जो हैं वो कहां इस प्रकार से कहीं जाया करती थी। एक दिन, अब तो हमारी दादी माँ इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारी बेटियों के साथ, भतीजियों के साथ उनकी बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में ये सब नहीं हुआ करता था। तो बोले, फिर करते क्या थे? तो बोले, कुछ नहीं, चूल्हे पे रोटी बनाओ तो हाथ में एक भी बाल अपने आप ही नहीं रहेगा। कभी उसकी लपट बाहर आई, आप रोटी सेक रहे हो तो उसी से आपके हाथों में तो वैसे ही रोए नहीं रहेंगे। पैर वगैरह के लिए अगर कभी ऐसा लगता तो थोड़ा उसी आग के ऊपर से पैर को इधर से उधर हिला दिया तो बोले पैर की भी रोम राशि। तो जिन चीजों को आज एक कठिन प्रक्रिया बना दिया गया, ये बड़ी सरल प्रक्रिया से ये सारी चीजें दूर हो जाया करती थी। और उस समय लोगों को इस प्रकार के अनुमान और अंदाज और उसके माध्यम भी उन्होंने ढूंढ के रखे हुए थे। यहां जो स्त्रियां होंगी, बाहर भी और अंदर भी, यानी योनि प्रदेश पे भी अत्यंत रोम राशि होगी। अंतः विशालम, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका योनि प्रदेश बहुत गहरा होगा। यहां शब्द का प्रयोग किया, अंतः विशालम, बहती जघन रंध्रम हस्तिनी गदगदोक्ति। और ये जब भी बोलेंगी बड़े उत्साह में, भारी गले से और गदगद होकर के बोल रही हो, इस प्रकार की इनकी उक्ति होगी। तो यहां हमने अपने संकनी के और हस्तिनी के दोनों के गुणधर्म एक ही वीडियो में देखे। क्योंकि बहुत कुछ स्पष्ट है, इसलिए और अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। आप यहां इस चीज को समझ सकते हैं कि ये वीडियो स्त्रियों के लिए इस प्रकार से उपयोगी है कि वो स्वयं को समझ सकती हैं, जान सकती हैं, और योग्य पुरुष की पसंदगी कर सकते हैं। पुरुषों के इसलिए उपयोगी है कि बहुत सारे ऐसे बाह्य गुण धर्मों की चर्चा की गई है। प्रत्येक वीडियो में उनके शारीरिक, उनके चारित्रिक और उनके वैशिष्ट की चर्चा की गई है, जिसके आधार पे जाना जा सकता है। चलिए, कल के वीडियो में इसी प्रकार से, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं पाया जाता है, पुरुषों की चर्चा हम करेंगे, उनके वैशिष्ट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। आनंद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।